सुप्रभातम प्रिय भैया बहनों, आज हम लोगों को समद्विबाह त्रिभुज की रचना करनी है। प्रश्न क्या है? एक समद्विबाह त्रिभुज की रचना के लिए जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर तथा परिमाप 19.4 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले 19.4 सेंटीमीटर की सरल रेखा खींचेंगे। 19.4 की रेखा एक सफाई खींच दिया या 19.4 हो गया। अब इस रेखा का मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु निकालने के लिए इस रेखा के आधे से अधिक दूरी लेकर के यक्ष बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप इधर लगाया और एक चाप इधर लगा दिया। पुनः वाई बिंदु को केंद्र मानकर एक चाप इधर लगा दिया, एक चाप इधर लगा दिया और इसको सीधे मिला दिया और इसी को आगे बढ़ा दिया। अब यह बिंदु सी, यह बिंदु मान लीजिए पी हो गया। इसके बाद ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर बिंदु पी से 6 सेंटीमीटर चाप लगाएंगे। मान लीजिए यह बिंदु सी हो गया। अब बिंदु सी को एक्स से और बिंदु सी को वाई से मिला देंगे। मिलाने के बाद सी एक्स और सी वाई का लंबाधक करते हैं। सी एक्स और सी वाई का लंबाधक मतलब आधे से दूरी लेकर के एक चाप इधर लगाएंगे, एक चाप इधर लगाएंगे, दूसरा चाप इधर लगाएंगे और इधर लगाएंगे और इसी को मिला देंगे और मिलाते सीधे पीछे से बढ़ा देंगे। इधर से भी वही काम करेंगे, इसको ही मिलाते हुए से आगे बढ़ाएंगे। मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। मान लीजिए यहां पर कट गया तो यही ए हो गया और यहां पर कट गया तो यह बी हो गया। अब सी को ए से और सी को बी से मिला दीजिए। इस प्रकार से त्रिभुज एबीसी की रचना हो गई। फिर से एक बार सुनेंगे। सबसे पहले 19.4 सेंटीमीटर की सरल रेखा एक्स वाई खींचते हैं। एक्स वाई का मध्य बिंदु टीसी टी निकालते हैं और टी पर एक लंबवत रेखा खींचते हैं। बिंदु टी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर दूरी पर 6 सेंटीमीटर दूरी चाप लगाते हैं जो बिंदु सी हुआ। अब बिंदु सी को एक्स तथा वाई से मिला देते हैं। अब एक्स सी और एक्स वाई सी वाई का लंबाधक करते हैं। दोनों लंबाधक एक्स वाई को ए और बी पर काटते हैं। अब सी को ए से और सी को बी से मिला दिया। इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी की रचना हो गई जिसकी भुजा ए सी और बी सी बराबर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है और तीनों भुजा ए सी धन बी सी धन ए बी तीनों भुजा का जोड़ 19.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। धन्यवाद।